ओ सीरियसली यार, मुझे लगा तू मजाक कर रही है, सच में कर रही है क्या? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट लोग को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। वी रियली थैंकफुल कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और आज मैं रेडी हो रहा हूँ जिम के लिए। जानो कौन है ये? ये सुप्रिया है। और क्या करेगी? घर पे मोजे मारूंगी। ये घर पे मोजे मारेगी? कहती मोजे मारेगी। कौन सी मोजे मारेगी? फोन फान चलाएगी और क्या, सोएगी? ओके, स्लीपिंग ब्यूटी है गाई। मतलब मुझे थोड़ा टाइम लग गया एक्चुअली। मैं थोड़ा डाइट वाइट का कर रहा था अपना। डाइट कुछ खास नहीं खाता, टू बनानास खाता हूँ, बाकी वाटर बॉटल वगैरह कर रहा था। गाइस, मैं जिम से आ गया हूँ और अभी मैंने सुप्रिया को बोला कि यार थोड़ा शेक वेक बना दे मुझे। ये यहाँ पे मेरे लिए शेक बना रही है। सुप्रिया से हाय, हेलो। क्या कर रही है? शेक बना रही हूँ आपके लिए, आपने बोल तो दिया। ओ, और गाइस अभी शेक बनाऊंगा थोड़ा मैं अपना। जिम के बाद क्या होता है गाइस, जिम के बाद आपको प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है रिकवरी के लिए, मसल्स की रिकवरी के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है। और प्रोटीन के साथ और भी कुछ चाहिए होता है, BCA, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो तुमने मेरे पीछे से क्या किया यार? सच्ची बताऊं, मेरी थोड़ी मीटिंग्स थी ऑनलाइन, तो वो मैंने करी है। मैंने प्लानिंग करी थी कि सोऊंगी, पर वो मेरा कैंसिल ही हो गया प्रोग्राम। बेचारी, सोने की प्लानिंग थी गाइस इसका, सोना इसका। कहती है मुझे सोना है, पीछे से मजे करूंगी सोऊंगी, लेकिन इसका हो नहीं पाता। चलो जी, रॉबिन चले गए हैं नहाने, तो आई एम नाउ फ्री। अब हम करते हैं कुछ किचन के काम। जा रहे हैं, ठीक है, अभी ये जा रहे हैं, ठीक है, नहाने। तो मैं थोड़ा सा किचन को कर लूँ क्लीन। पीछे से यार सोने की प्लानिंग करी और को कुछ हल्का फुल्का बना के दे दे, फिर उनको बना के देने लग पड़ी। मम्मा को चाय बना के देने लग पड़ी, तो फिर मैंने कहा सोना छोड़ो यार, फिर मेरे को कॉल आ गई एक अर्जेंटली, फिर मैं वो थोड़ा मीटिंग वगैरह करने लग पड़ी। करी होगी, हमने सीनरी लगा ली है यार, हमारी वॉल मतलब ऑलमोस्ट ठीक हो गई है। कल हम वीडियो शूट कर रहे थे तो हमें लगा कि यार खाली खाली अच्छा लग रहा, तो लगा लेनी चाहिए। हाँ यार, एक बात और बतानी थी, वो जो हमारे रूम में नहीं आ रहा था, पता नहीं कौन सा कीड़ा था यार, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा। रॉबिन, कौन सा कीड़ा था वो? हाँ, मधुमक्खी। मधुमक्खी वो सुबह मिली मरी हुई, आप मानोगे? पता नहीं यार इतना क्या जहरीला था हमारे रूम में, मरी गई बेचारी। ओ ना, इन्होंने वीडियो बनाई है, हम वो भी बीच में, मैं लिंक हम कर देंगे साथ में, देखना। सुबह मरी पड़ी हुई थी वहाँ दरवाजे के पास। कर बोल तो रही हूँ कि बाजार चलते हैं यार, घर पे ना बंदा बोर हो जाता है पूरा दिन घर पे घर पे। तो देखो अगर ये एग्री करते हैं तो फिर तो मजे हैं, नहीं एग्री करते हैं तो तब भी मजे ही हैं, घर पे रह लेंगे कुछ बना लेंगे। गाइस, मैंने शावर ले लिया है और मैं गाइस आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। मैं अभी नहा के निकला हूँ और इसने लड़की ने मुझे बोला था कि मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, और लेकिन आप देख रहे हो पीछे ये क्या कर रही है। सुप्रिया क्या कर रही है? इसकी आंखों से मुझे पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस ये क्या कर रही है। चलो मैं दिखाता हूँ जरा। देख रहे हो? देख रहे हो गाइस? देख रहे हो कितना खाती है? मतलब रात का टाइम देखो क्या हो रहा है, टाइम देखो यहाँ पे, टाइम घड़ी क्या बता रही है, टाइम 8:30 हो रहे हैं और तुम यहाँ पे मतलब जंक मंगवा रही। क्या मंगवा के रही है वैसे? ऑर्डर क्या करा है? यार बर्गर रात को, पता कितनी कैलोरीज होती है बर्गर में? मुझे नहीं खाना यार, मैं नहीं खाऊंगा रात को, मैं इतना वर्कआउट करके आया हूँ, मैं बर्गर खाऊंगा राइट? मतलब थोड़ा हेल्थ का ध्यान रख ले यार, मतलब कल भी गई थी अभी आज फिर। अब तो वो डायलॉग मार मत मारना मेरे सामने, वही वाला। कौन सा डायलॉग था? कल नहीं गए हम बाजार, परसों गए थे। कल तो गए नहीं। कब गए थे फिर? हम परसों गए थे। परसों गए थे? हाँ। तो मेरे को एक चीज बताना, वो तेरा एक डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा है पिछली वीडियो में। यार छोटी सी जिंदगी है, खाओ पियो मजे करो। छोटी नहीं है, बहुत बड़ी जिंदगी है। लगती छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। खाओ पियो पर अच्छी चीजें खाओ ना, ऐसे कौन खाता है रोज बर्गर। कल क्या खाया था हमने? कल हमने क्या खाया था? मैं बता दे, कल तुमने वो खाए थे ना समोसे खाए थे? नहीं यार, मैंने कल खाया नहीं पाव का कुछ। परसों खाए थे? हाँ। तो मतलब एक दिन छोड़ के यार इतना नहीं खाते, पर अब तेरा लास्ट है, कल मत मंगवाना प्लीज, नहीं तो तू फेमस हो जाएगी यार। अच्छा हमें कोई चीज़ बतानी है, हमने मैंने बता दी है तुमने। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा आज मैंने वर्कआउट किया और वर्कआउट में मैंने क्या लगाया। तुमने पूछा नहीं सुप्रिया, आज वैसे तुम रोज पूछते हो, आज तुमने पूछा नहीं। पूछे यार क्या आप, क्या लगाया आज आपने? आज मैंने लगाए शोल्डर लगाए हैं, ये देना जरा, लगाए हैं शोल्डर में। मतलब बहुत, जैसे मैं बताऊँ, मैंने पहले वर्कआउट किया था जब लॉकडाउन खुला। अच्छा। तो मेरे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़े थे गंदे वाले, ठीक है। और हुआ ये था कि मेरी बाजू नहीं सीधी हो रही थी,
लेकिन फिर इसने मसाज महसूस करी, लाइक मेरी बाजू थोड़ी सीधी होनी शुरू हो गई। तो आज मुझे यार क्या करके आ रही है, मुझे पिल्लो दे दे यू यार, कैन टेक दिस वन। मुझे हद है यार। सो आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। सो तुम भी अपने कुछ प्रवचन बताओ, कुछ अपने। पर सोचो, एक तो बंदे ने वेट गेन कर लिया हुआ, पिल्लो छीना जा रहा है उसके साथ, पब्लिक के सामने पिल्लो छीना जा रहा है उसके। अच्छा गाइस पेट छुपा रही है। अब समझ आया क्या चक्कर है। पेट तो खाती क्यों इतना फिर अगर तूने पेट ही छुपाना तो वेट और लूज करने के अभ्यास में थोड़ी देर बाद अभ्यास जाऊंगी में। जाऊंगी तो उसके लिए पहले तैयारी की जा रही है। ये अभ्यास तुम इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती हो, मुझे भी सीखनी है गाइस। ये बेसिकली हिमाचल से, ये हिमाचल से पंजाबी, इसको नहीं आती। अच्छा पर पंजाबी में टॉक कर दूं मेरे पंजाबी साथ यार, पंजाबी में। और सुना ना सुप्रिया की ऐसी, हालत मैं जरा, सच्ची बताऊं पंजाबी मेरे को आती है, लेकिन आप लोगों ने हंस के पुट्ठे देना ऐसी पंजाबी। पुट्ठे हो जाना। अभी आपने सुना गाइस इसका वर्ड सुना, पुट्ठे हो जाना। पुट्ठे होने का मतलब पता क्या होता है, पुट्ठे होने का मतलब उल्टे हो जाना, उल्टे हो जाना। उल्टे हो जाना। तो मतलब वैसे गाइस ये ना हिमाचल की है तो सही, लेकिन इसको ना हिमाचली आती नहीं है वैसे, क्योंकि ये घर पे नहीं रहती थी, मतलब घर पे थी, घर मतलब पे रहती थी क्या मतलब है आपका, घर। मैं बाहर घूमती नहीं रहती नहीं थी मेरे क्या? कहने का मतलब भी घर पे रहती थी लेकिन हॉस्टल में थी, हॉस्टल में कॉलेज में। सो वहाँ पे लाइक हिमाचली, इसने फिर घर पे रही नहीं तो वहाँ पे फिर हिंदी बोलती थी, क्योंकि पंजाबी वहाँ पे मैं तुम्हारे। पर एक चीज़ और गई, जिसके कॉलेज में पंजाबी बहुत मतलब स्ट्रिक्टली अलाउड थी, हिंदी हिंदी में बात करना नहीं अलाउड था, सही बोल रहा ना मैं। और लेकिन एक चीज़ बताऊँ, तब भी इस बंदी को पंजाबी नहीं आई, मतलब बोलती है टुट्टी फुट्टी बोलती है मेरी तरह, मैं अच्छी बोलता हूँ वैसे पंजाबी। आप भी ऐसे ही बोलते हैं। अरे यार क्या बात कर रही है, मैनू पंजाबी आंदी है बहुत चंगी तरह आंदी है, ठीक है ना गाइस। पंजाबी ना जेड़े मुझे मेरे क्या, पंजाबी मुझे ब्रदर भी सिस्टर है गए, कमेंट सेक्शन तो दस्यो मैं कितना दी पंजाबी बोल रहा है यार। आई मीन ये एक्सेंट थोड़ा मैंने फॉरेन वाला हम मार यहाँ दिया। अरे कनाडा में नहीं घूम रहे हैं। यार मजाक भी तो कोई चीज़ होती है, वीडियो को थोड़ा फनी बनाना हमने। अगर हाँ सीधा बोल दूंगा हाँ जी पाजी की हाल चाल, मेरा नाम रॉबिन हैगा जी, ये नाम सुप्रिया हैगा, मतलब कुछ मजा आना चाहिए वीडियो में, फन होना चाहिए सुप्रिया। तो फोन छोड़ दे, ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ तेरा कन्फर्म में कोई बता। अभी मैं देख रही हूँ ना कहाँ पहुंचा है। अभी कंफर्म तक इसका गाइस ऑर्डर नहीं कन्फर्म हुआ। है, कंफर्म है। पक्का वो ही है, स्प्रिंग रोल और बर्गर यस कंफर्म, कंफर्म। यस। ओके बाय बाय सी यू। अब वो तैयारी होएगी देख रहे हो आपके गाइस, और देख मम्मा रहे हो। पापा के खाने की। मैंने तो गाइस, मेरे को बोल रही थी वैसे कि खा लो, लेकिन मैं अभी वर्कआउट करके आया हूँ और मैं थोड़ा अपनी पेट कम कर रहा हूँ, पेट मेरा है नहीं है वैसे इतना, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा लीन शीन होना चाहिए बॉडी। आपने उस दिन देखा था मुझे समोसे खाते हुए, क्या झूठ बोला जा रहा है। आधे तो इन्होंने खाए थे, आधे इन्होंने खाए थे मेरे मैंने समोसे। आधे नहीं खाए थे, मैंने सिर्फ एक खाया था, फिर तेरे को एक एक्स्ट्रा और मंगवा दिया था जो मैंने खाया था, ये भी तो बता दे तूने 2 प्लेटें खाई थी। खाई थी उसने, एक नहीं खाई थी, 2 प्लेटें खाई वन एंड थी। हाफ चल जो भी है, दूसरी बार तो आई ना प्लेट, प्लेट तो 2 थी ना, बेशक समोसा उसमें एक था। बहुत है ये फूडी, फूड लवर है ना तू वैसे, यस, आई एम अ बिग फूड लवर। ये फूड लवर है गाइस, ये फूड लवर है, फूड लवर मैं बता जो भी दूं। मेरे नॉन भाई बहन हैं वो मेरी पीड़ा समझ सकते हैं क्या पीड़ा तेरी। कि ऐसे उनको रोका जाता है खाने के लिए। कल ब्लॉग अपना कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि मैं थक गया था जिम से आकर और मैं सो गया। सो आई डिसाइडेड कि हम आज ब्लॉग को कंप्लीट करेंगे, और आज मैं जिम गया था राउंड वही 6 बजे, 7 बजे आ गया था और रेस्ट वेस्ट करने लग पड़ा। तो अभी 9:30 बजे हैं, मुझे लग रही है भूख क्योंकि ये मेरा डिनर टाइम है और सुप्रिया किचन में खाना बना रही है। चलो चलते हैं, देखते हैं सुप्रिया मेरे लिए क्या बना रही है आज। बना रही है आज आज बनना है खाने में भिंडी, भिंडी, भिंडी राजमा चावल ओ एंड बल्ले चपाती। बल्ले, राजमा चावल तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। अभी ये क्या एंड बना रही है, चपाती, चपाती बना रही है। अरे यस। गर्मा गर्म चपाती भाई ये बनेंगे, चपाती बनेगी आज हमारे लिए, यस। आप सब भी राजमा। आ जाओ खाने हमारे घर। कहाँ से आएंगे, दूर दूर है हमारे सारे यूट्यूब फैमिली, सारे दूर दूर से हाँ हैं। ये तो है। ठीक है बढ़िया, मज़ा आएगा खाने का। मैं फटाफट चपातियाँ बना रही हूँ, मैंने आज मेहंदी लगानी है। आए मेहंदी लगाएगी। ओ सीरियसली यार, मुझे लगा तू मजाक कर रही है, सच में कर रही है क्या, दिखाना जरा। मैं तो तुझे यहाँ पे सोने नहीं दूंगा आज, तुम्हें पता ना यार मुझे इसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती, तुम फिर मेहंदी लगा रही, मुझे लगा तू सच में मजाक कर रही है। नहीं मैं सच्ची बता रही हूँ, लेकिन तू लाई कहाँ से, ये मम्मा से मंगवाई थी। कितनी चलाक है यार तू। स्मार्ट बॉय, डिनर विनर हो गया आपका ना, आप फिनिश। हाँ मैं तो खा अब लिया यार, इतना टेस्टी बनाया तो मुझे पता नहीं था इतना टेस्टी होगा, सच बोल रहा हूँ वैसे मुझे तो मजा अब आया है। मैं अब ना कैमरा पकड़ लो, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू माई मेहंदी। चल ठीक है मुझे कैमरा। ओ सो ये लड़की बना रही है मेहंदी, अरे देख के बनाती है तू क्या। नहीं ये तो खुद ही बनाना, उसका नेक्स्ट आगे देखने के लिए निकाल के रखा है।
अच्छा तो यार एक काम कर दे, मेरे भी बना दे कुछ लाइक टैटू वाला स्टाइल कुछ। मेरा बड़ा दिल है टैटू बनाने का। गाइस मुझे बताना मैं क्या बनाऊँ। मुझे ना यहाँ पे बनाना है, जैसे ये रिस्ट है ना इसकी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इतने इतने एरिया पे लाइक, है ना, कहीं पे भी। मुझे सजेस्ट करना कि क्या बनाऊँ। मैं बस मेहंदी लगाने लगी हूँ ये फिर लड़की बना रही है मेहंदी यार, अच्छी आर्टिस्ट है यार। ये आपको बताऊँ गाइस, अगर आपने किसी घर में शादी शुदी हुई है ना अगर किसी घर में शादी शुदी हो रही है तो गाइज आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लाइक कितने पैसे लेती है एक हाथ के? यूट्यूबर फैमिली के लिए कोई पैसे नहीं लूंगी। नहीं सीरियसली, ये नया बिजनेस शुरू कर रही है आज से, ये मेहंदी भी लगाती है। लाइक बुकिंग वगैरह कर लो, और आई थिंक बता देना कोई फिक्स रेट, 1,000 लेती है 2,000 गाइज कहती मैं 1 लाख लेती हूँ एक हाथ का यार क्या गप्पे मार रहे हो गाइज डू कॉन्टेक्ट ओके। तो गाइज ये बहुत अच्छी मेहंदी नहीं लगा रही है। और अपनी शादी भी तूने खुद लगाई थी क्या? हाँ अब फिर तो लगाई थी ना, दोनों हाथों पे लगानी थी, पाँव पे इधर लगानी हाय तो थी। कर दिया। ये तूने बालों को क्या किया आज? ये वो जैसे होते हैं नहीं लाइक बाहर, लाइक वो जो आज मेरे को अफ्रीका में, मम्मा ने बना के दी है कुछ। इसको वो चोटियाँ बोलते हैं। यस इसको कुछ और बोल रही थी तू यार। पता नहीं हम क्या बोलते हैं इसको, चलो जो भी बोलते हैं। और ये मेरे को मम्मा नहीं करती थी, मम्मा कहते कर लो तेरे को और अलग साइड से करके और गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे इस मेहंदी से लाइक जब ये मेहंदी लगा लेती है ना, ये उसके तो बाद जो सबसे इसकी बड़ी इसकी जो दिक्कत स्मेल आती है ना, मैं तो कहता हूँ मेरे पास ही मत आना, लाइक अलग कमरे में सो जा जाके। मुझे नहीं पसंद इसकी मेहंदी की स्मेल। पर मैं जानबूझ के ना इनके आगे आगे करती हूँ। आज मैं और स्मेल करो, और स्मेल करो। वेरी क्लेवर वेरी क्लेवर। देखो गाइज आर्टिस्ट है ये भाई। सेम ही सेम बनाएगी क्या? बिल्कुल ये हाँ ऊपर हाथ पे तो बनाऊंगी सेम वाओ मैं। गाइज सेम। और गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मेरा सोने का हो गया टाइम, और ये मैडम पीछे बिजी है मेहंदी लगाने में, सो मुझे लगता है ब्लॉग को हमें यहीं बैंड करना पड़ेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमें बहुत यस 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 सुन रही हो? सो गाइस आप हमें ऐसे प्यार करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।